हिंदुस्तान के उद्योग जगत में आनंद महिंद्रा का नाम बड़े ही गर्व से लिया जाता है, बड़े ही सम्मान से लिया जाता है। हिंदुस्तान के उद्योग जगत में महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा बहुत सम्मान रखते हैं, बहुत मान रखते हैं। आपको पता होगा आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया में भी एक्टिव रहते हैं और आनंद महिंद्रा खास करके ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पे अच्छे खासे एक्टिव रहते हैं। समय समय पर अपने ट्वीट से मीडिया और सोशल मीडिया का ध्यान खींचते रहते हैं और लोगों की मदद भी करते रहते हैं। पिछले कुछ दिनों में आनंद महिंद्रा ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कई लोगों की मदद करने का ऐलान किया, कई लोगों को फंडिंग की, कई लोगों को नौकरी दी। एक बूढ़ी अम्मा जो कि सिर्फ एक रुपए में इडली बना के बेचती थी, उनको भी उन्होंने फंडिंग की, गिफ्ट पहुंचाए और आजीवन मदद करने का आश्वासन दिया। उनके कारनामे सोशल मीडिया और मीडिया की लिस्ट में शामिल हैं, जो कि उन्हें धनवान होने के साथ साथ सम्माननीय बिजनेसमैन भी बनाते हैं। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पे अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो ट्वीट किया। उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि उस वीडियो में उन्होंने एक लग्जरियस होटल का रूम दिखाया है। वह लग्जरियस होटल का रूम एक पहाड़ से सटे दीवार पे खड़ा हुआ है और उस पहाड़ की दीवार से चिपका हुआ वह होटल का रूम बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस और लग्जरियस दिखाई पड़ रहा है। बहुत सारे ऐसे एडवेंचर प्रेमी होते हैं जो ऐसी जगहों पर जाना पसंद करते हैं, जिन्हें ऐसी जगहों पर रातें बिताना, हनीमून मनाना और पार्टी करना पसंद आता है और वही उन्हें जीवन दिखाई देता है। लेकिन आनंद महिंद्रा की सोच उनसे कहीं ज़्यादा अलग है। आनंद महिंद्रा ने इस वीडियो को ट्वीट करने के साथ ही उन्होंने इसमें यह लिखा कि वह इस जगह जाना कभी नहीं चाहेंगे। आखिर ऐसा क्या हो गया कि इतनी लग्जरियस होटल में, इतने एडवेंचरस रूम में वे जाना नहीं चाहेंगे? इसके लिए उन्होंने बहुत ही अच्छा कारण भी बताया। आनंद महिंद्रा इस लग्जरियस होटल, पहाड़ रूपी होटल को ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि इस खूबसूरत डिज़ाइन को देखकर मैं काफ़ी हैरान हूँ, लेकिन दुनिया भर में बारिश का प्रकोप देखते हुए मैं देख रहा हूँ कि ऐसे में मुझे यहाँ रुकना नहीं चाहिए। एक रात के लिए भी मैं इस होटल में नहीं रुक पाऊँगा। आनंद महिंद्रा ने बताया कि वे बारिश के डर के कारण इस होटल रूम में रुकना पसंद नहीं करेंगे। बारिश के कारण यदि चट्टान खिसकती है, कोई बड़ा हादसा हो जाता है, भारत सहित पूरी दुनिया के कोने कोने में भारी बारिश और बाढ़ का प्रकोप जारी है। हाल ही में भारी बारिश से भयंकर तबाही का प्रकोप देखने को मिला है। विनाशकारी वीडियो देखने के बाद लोगों के मन में बारिश और बाढ़ का खौफ पैदा हो गया है और चट्टानों में, पहाड़ों में तो भूस्खलन भी हो जाता है। पहाड़ों और चट्टानों के नीचे जो दुकानें होती हैं, जो टपरे होते हैं, वे तबाही की आगोश में समा जाते हैं और लोगों को जालमान की हानि हो जाती है। अभी हाल ही में आपने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में देखा है कि बारिश और बाढ़ से प्रकोप जो जारी है और जो भयंकर तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है, उसको देखते हुए इस तरीके की एडवेंचरस होटल्स में रुकना खतरे से खाली नहीं हो सकता। कब पहाड़ी धस जाए, कब चट्टान और पर्वत खिसक जाए और हादसा हो जाए और आपकी जान चली जाए। ऐसे में आनंद महिंद्रा का ये शक और ये उनकी नाराजगी भी जारी है, जिस पर कुछ लोग हामी भी भर रहे हैं तो कुछ लोग उनके खिलाफ भी हैं। कुछ लोगों को एडवेंचर पसंद है तो वो जान माल की परवाह किए बिना ऐसी जगहों पर जाने के लिए अपनी राय दे रहे हैं, तो कुछ लोग आनंद महिंद्रा की चेतावनी को स्वीकार कर रहे हैं, उनकी बात को सही मान रहे हैं। आपकी क्या राय है ये आप कमेंट बॉक्स में बता के अपनी राय दीजिएगा, अपना रिव्यू दीजिएगा। एक नंबर न्यूज़।